रामधारी गुप्ता, खंड दो, प्रतिलेखन संख्या 31 स्टार्ट। महोदय, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा विज्ञान का विषय है, परंतु आज ऊर्जा संसाधनों का जो संकट हमारे सामने उपस्थित है, उसको देखते हुए हमारी आशाएं सूर्य और उससे मिलने वाली ऊर्जा पर टिकी हैं। यों यह विषय सामान्य हित का है और उसमें हमारी समान अभिरुचि भी दिख पड़ती है। अतः इस पाठ में सौर ऊर्जा की संकल्पना और उसकी उपयोगिता पर स्फुट विचार अर्थ तकनीकी भाषा में यहाँ प्रस्तुत है। ऊर्जा संसार के प्राणियों के जीवित रहने और दैनिक कार्यों के लिए परम आवश्यक है। पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। समस्त स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा के बिना न तो जीवन संभव है और न ही कोई कार्य हो सकता है। इसलिए मानव प्राचीन युग से लेकर आज तक ऊर्जा प्राप्ति के लिए अनेक स्रोतों और प्रक्रियाओं को खोजता रहा है। ऊर्जा जिन साधनों से प्राप्त होती रही है, उन्हें हम ऊर्जा प्राप्ति के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। स्रोत हैं लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। इनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वायु और जल को भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। आधुनिक युग में विज्ञान ने ऊर्जा के और नए स्रोत निकाले हैं। इन्हें आजकल गैर पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। आज ऊर्जा के अनेक रूप हमें ज्ञात हैं। ईंधन वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्मी ऊर्जा या जमीन के नीचे पथराए ईंधन वाली ऊर्जा, गैस ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा आदि। पारंपरिक स्रोतों से निकलने वाली ऊर्जा की कमी के कारण गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज का काम आज बड़ी तेजी से किया जा रहा है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सन 1950 से ही सौर ऊर्जा का प्रयोग आरंभ किया। सन 1973 में जब पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि पदार्थों का संकट अनेक देशों ने अनुभव किया, तब वैज्ञानिकों ने व्यावहारिक स्तर पर सूर्य को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में स्वीकार किया। भारत सरकार के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है। वह राज्यों के ऊर्जा विभागों की सहायता से इन कार्यक्रमों और साधनों को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहा है। ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के निर्माण और उनके रखरखाव और प्रचार आदि पर बल दिया जाता है। इनके अनुसंधान तथा विकास के लिए उच्चतम तकनीकी ज्ञान तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। सौर ऊर्जा हमारे अनेक कार्यों में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। सौर ऊर्जा से बिजली भी पैदा की जाती है, जिससे घरों में
और सड़कों पर प्रकाश होता है। सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर ड्रायर, सोलर रेफ्रिजरेटर इत्यादि का विकास राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशालाओं में हो रहा है। सोलर कुकर संदूक के आकार का होता है जो धूप वाले दिनों में 2 घंटे में दाल चावल आदि को पका सकता है।